जय श्री राम। प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज 16 सितंबर 2021 दिन गुरुवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल की कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। यदि आप अपनी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करवा कर अपनी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप अपना जन्म डिटेल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी समस्या का समाधान पाएं। आज का सुविचार: अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिया जाए तो जीवन भर रोएगा। अर्थात संस्कार किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद ही अनमोल उपहार है। अगर किसी बालक को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ समय रोकर शांत हो जाएगा और फिर अपने दैनिक जीवन में लग जाएगा, किंतु अगर बालक को संस्कार नहीं दिया जाए तो वह पूरा जीवन लक्ष्यहीन और पतनहीन जीने के लिए विवश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ सबसे पहले मेरी तरफ से जिनका आज बर्थडे या एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। विक्रमी संवत 2078, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि दशमी, वार गुरुवार, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग शोभन, राहु काल 1:48 PM से 3:20 PM तक। इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:40 PM तक है। दिशाशूल दक्षिण। यदि आप किसी कारणवश इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दही या जीरा खाकर घर से बाहर जाएं, लाभकारी होगा। तो चलिए दोस्तों आज का राशिफल जान लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपने इष्ट देव या इष्ट देवी का नाम कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपका व्यक्तित्व प्रतिभाशाली और प्रभावी है, जो आज आपके हितेशियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान दें और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बड़े आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने के लिए आपकी मदद करेंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय: मांस मदिरा हिंसा पर पीड़ा निंदा का त्याग करना आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। वृषभ राशि। ग्रहों की स्थिति आपको आज बहुत अधिक सामाजिक होने को कह रही है। आप दूसरों से बातचीत के माध्यम से अपनी जीवन शैली और कैरियर में बदलाव लाना चाहते हैं। जो कुछ आपने सोचा है वो सब करने की कोशिश करें। आप जो भी करना चाहते हैं उस पर अच्छे से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारी ना लें। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफ़ेद। उपाय: अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए मांस मदिरा व परनारी संपर्क से बचें। मिथुन राशि। आपको अपनी स्थिति, विशेषकर वित्तीय स्थिति पर अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। बहुत खर्च करने में आनंद आ सकता है, लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपको यह जानना होगा। जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेते हुए परिजनों की बात भी सुननी चाहिए। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय: अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए किसी क्यारी, पीपल या बड़ के पास धरती पर 28 बार सरसों का तेल टपकाएं। यही कार्य आप अपने घर के गमले में मिट्टी रखकर भी कर सकते हैं। कर्क राशि। आपकी भीतरी शक्ति आपको एक साथ कई स्तरों पर सोचने की क्षमता देती है। आप किसी भी मुद्दे की तह तक जा पाएंगे, अपने दोस्तों व साथियों का साथ सही मूल्यांकन कर पाएंगे। जहां तर्क शक्ति से बात ना बने, अपने मन की आवाज़ सुने। अपनी छिपी क्षमता को बाहर लाने का यह उत्तम समय है।
विवादों से बचें, वे बाद में समस्या पैदा कर सकते हैं। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, तांबे का कड़ा पहनने से स्वास्थ्य बना रहेगा। सिंह राशि, आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादों के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सिल्वर और सफेद। उपाय, दिन के किसी एक भोजन में नमक न खाएं, इससे प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। कन्या राशि, ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है, दिन की शुरुआत अच्छी होगी, विशेषकर दोपहर से पहले। अपने ऑफिस संबंधी कामों की योजना अगर हो सके तो दोपहर से पहले ही बनाएं, सफलता की संभावना अधिक है। शाम को या तो कुछ ना करें या कोई हल्का फुल्का काम करें, कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। शुभ अंक 9, शुभ रंग लाल और मैरून। उपाय, अपने प्रेमी व प्रेमिका को सफ़ेद गुलाब भेंट में देने से प्रेम संबंध मजबूत होंगे। तुला राशि, आज का दिन आपकी वित्तीय स्थिति एवं कैरियर में तरक्की का दिन है, लेकिन इन सब के लालच में अपने परिवार की उपेक्षा ना करें। दरअसल आज आप अपने भीतर आध्यात्मिकता का भी अनुभव करेंगे। इन दिनों शक्तियों के बीच उलझा हुआ अनुभव भी करेंगे, लेकिन अंततः दोनों में संतुलन बना पाने में कामयाब होंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया और पीला। उपाय, दूध में हल्दी डालकर पीने व नहाने वाले पानी में हल्दी डालकर स्नान करने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, समय पर बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इससे हिचकिचाए नहीं, इसके स्थान पर मजबूत फैसले लीजिए, अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वासपूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है, शायद आपको अभी ये प्रतीत ना हो। पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा और सलेटी। उपाय, अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए गंगा जल को नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। धनु राशि, प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रेय लेने में भी आगे रहें। अपने आप को ज्यादा न थकाएं और कम महत्वपूर्ण विषयों के लिए अधिक मेहनत ना करें। दूसरों को अच्छी ना लगने वाली बातें कहकर उनका दिल ना दुखाएं। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोग को खोजने की कोशिश करें जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है। फिलहाल आप या तो मोटापे से परेशान हैं या फिर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से, इसलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, धन प्राप्ति के लिए उगते हुए सूर्य को थोड़ी देर निहार कर सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः बोलें। मकर राशि, आज आपका मूड हल्का फुल्का और नाटकीय बना रहेगा और आज आप हर खूबसूरत चीज से प्रभावित होंगे। इससे आपका कुछ अनावश्यक खर्च भी हो सकता है। आज आप जो भी करेंगे उसमें सौंदर्य बोध का काफी असर रहेगा। आज सुंदरता से संबंधित कोई उपचार ले सकते हैं। पूरे दिन हंसी मजाक वाले मूड में रहेंगे और इससे कार्यस्थल पर भी माहौल खुशनुमा रहेगा। शुभ अंक 1, शुभ रंग नारंगी और सुनहरा। उपाय, कोयले के 8 टुकड़े बहते पानी में प्रवाहित करने से नौकरी व बिजनेस में उन्नति होगी। कुंभ राशि, दिन के आगे बढ़ने के साथ चिंता भी बढ़ेगी, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने तक हिम्मत ना छोड़ें। हारना या जीतना नहीं, आपके प्रयास सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अपने निरंतर प्रयास किए हैं, लेकिन अभी इन्हें बनाए रखना होगा। समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश करें ताकि इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर सकें। शुभ अंक 8, शुभ रंग काला और नीला। उपाय, सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। मीन राशि, अपने मिलनसार स्वभाव के कारण आपके बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन ये सभी विश्वसनीय नहीं हैं। आज किसी भी दोस्ती पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें। आज आप बिल्कुल स्पष्ट सोच रहे हैं और आप मुश्किल योजना बनाएंगे और उसे बहुत अच्छी तरह कार्यान्वित भी कर पाएंगे।
अपने अधूरे काम आज पूरे कर दें और चिंता मुक्त हो जाएं। शुभ अंक 6, शुभ रंग पारदर्शी और गुलाबी। उपाय, घर में लाल रंग के पर्दे और चादर का प्रयोग करें। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।